हेलो फ्रेंड्स, माने मेरे अमन जैन, आज हम बात करेंगे राइट्स लिमिटेड के बारे में, जिसका लास्ट मंथ कंपनी ने बोनस इशू डिक्लेयर किया था और अब उसी का रिकॉर्ड डेट भी आया है। और अगर इस कंपनी की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ये चल रही है और लास्ट ईयर का ही आईपीओ है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे आईपीओ के दौरान ही काफ़ी अच्छा गेन इस स्टॉक ने दिया था। फिर नीचे के लेवल पे ये 200 के करीब आया था, लेकिन अगर अब भी देखेंगे तो एक ऊपरी लेवल के ऊपर है, तो अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दे चुका है और अब कंपनी ने बोनस इशू डिक्लेयर किया है। तो इसका अगर आप राइट्स लिमिटेड का देखेंगे 304 के ऊपर आज भी जो है ऊपर के तरफ ही ये क्लोज हुआ है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए और इसका रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं ताकि आप एलिजिबल रह सकें। तो इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 200.30 का है और हाई 52 वीक का 326 का, जो कि हायर से थोड़ा नीचे चल रहा है। और लॉन्गर टर्म का अगर नज़रिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए ऊपर के लेवल पे और फिर नीचे के लेवल पे लेने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका अगर आप देखेंगे 6000 करोड़ की कंपनी है और ये गवर्नमेंट के जो रेलवे का काम है वहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट का कोई इशू नहीं रहेगा कंपनी को। और इसका अगर आप देखेंगे 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 127% का डिविडेंड भी दे चुकी है, तो कंपनी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पे लेना एक बेहतर हो सकता है। इसका अगर आप मार्च क्वार्टर का नतीजे अगर आप देखेंगे, रिजल्ट्स 761 करोड़ का टोटल इनकम था, दिसंबर में 562 जो कि ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे 131 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 117 का लास्ट क्वार्टर में था। डिविडेंड तो आपको इजीली मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो एवरी ईयर गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा डिविडेंड देना पड़ता है, तो उसी लिहाज से डिविडेंड के लिहाज से भी अच्छा स्टॉक है, नीचे के लेवल पर आप ले सकते हैं। और इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो सबसे पहले ये लास्ट मंथ का लेटर देख सकते हैं, कंपनी ने 1:4 के रेशो से बोनस शेयर्स इशू किए थे। लगभग अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर फ्री में मिलेगा, तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो वो रेशो से आप इजीली कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 उतने शेयर्स आपको मिलने वाले हैं। और इसका मैं रिकॉर्ड डेट भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके कब तक आपको होल्ड करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 24 जुलाई 2019 आपको अपलोड हुआ है और इस कंपनी ने जो एलिजिबिलिटी रखी है वो है 11 अगस्त 2019, ये रिकॉर्ड डेट है। इस दिन आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल रह सकते हैं, और इससे एक दो दिन वर्किंग डेज पहले जो है एक्स डेट होता है, तो उससे पहले अगर आप लेंगे तो आप एलिजिबल इजीली हो सकते हैं बोनस इशू के लिए। तो आज इसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना था क्योंकि काफ़ी लोगों ने आईपीओ के दौरान भी लिया और बाद में भी लिया और काफ़ी लोगों के पास है भी, तो ये डेट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बोलना था, थैंक यू।